Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Accenture 22 to 2019 exam. Good news, big update from the Accenture team that if you not receive the interview update from the Accenture team, so there is a very good or big update for the 22 to 2019 batch. Like my friend gave the examination on the 1st April and she got the interview update today. Okay, so when Accenture interview result, again sending interview mail, all point will be discussed in today's video. So let's start. मैं आपको बता दूं, उससे पहले टेक महिंद्रा की हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है. बहुत अच्छी हायरिंग है, मास हायरिंग है. जरूर से इसमें अप्लाई करना है, इसे मिस नहीं करना है. इसी के साथ साथ आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स में कमेंट्स आए हैं कि इसमें कैसे और मतलब अच्छे से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसी के साथ साथ मतलब यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगी सब बता दूंगा आने वाली वीडियोज में प्रिपरेशन के साथ. अब मेरे फ्रेंड को अभी 2 hours पहले मेल आया है, यू हैव प्रोसीडेड टू द फाइनल स्टेज ब्लॉक. इट्स नॉट अ ब्लॉक, इट्स अ बुक. बुक योर इंटरव्यू स्लॉट नाउ. हाई डियर प्रियंका तिवारी एंड यू आर नाउ इन द फाइनल स्टेज ऑफ आर रिक्रूटमेंट प्रोसेस. योर ऑनलाइन इंटरव्यू सिलेक्ट एन इंटरव्यू स्लॉट बाय लॉगिंग इन. इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू प्लीज सिलेक्ट हियर. मतलब यहाँ पर एसेंशियल टीम की तरफ से बता दिया गया है कि अगर अभी तक अगर आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट दे दिया है या आपका कॉग्निटिव हो चुका है, कम्युनिकेशन हो चुका है, आपके पास कोई मेल नहीं आया है, तो आप वेट कर सकते हैं. अभी भी एसेंशियल टीम जो है वो मेल भेज रहे हैं. इसी के साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी. कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि व्हेन एसेंशियल इंटरव्यू रिजल्ट, मतलब एसेंशियल का इंटरव्यू रिजल्ट कब तक आ सकता है. तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि उन्होंने वर्चुअल मीटिंग सेशन में बताया था कि असेसमेंट स्टार्ट हुए हैं 1 अप्रैल से, एंड होंगे 3 अप्रैल को. 2 phase में हुआ था, मतलब टेस्ट डेट 8 अप्रैल वाली अलग थी, ये अलग है. तो उन्होंने बोला था कि आपको 2 week के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्ट रिलीज 18 अप्रैल तक होने के चांसेस हैं, ठीक है. और अगर आपने सेकेंड फेज मतलब 8 या 7 या कोई और डेट को एग्जाम दिए तो थोड़े दिन और बढ़ जाएंगे. डॉक्यूमेंट सबमिशन आपको 3 days में करना पड़ेगा और ऑनबोर्डिंग सितंबर तक होगी. मैं आपको यहां पर बता दूं, डिपेंडिंग ऑन सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम, अप्रूव्ड ऑफर रिलीज्ड एंड एक्सेप्टेड ऑन टाइम, कंप्लीशन ऑफ फाइनल एग्जाम एंड अवेबिलिटी टू ऑनबोर्ड. तो मेरा एक आप सभी से एक ही पॉइंट कहना है, डॉक्यूमेंट सबमिशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर से कर दीजिएगा. और एक रिक्वेस्ट है, टेक महिंद्रा की हायरिंग में अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी हायरिंग है. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय, गुड नाइट.